Yo, what's happening guys? My name is Loggy and welcome back to a brand new vlog. Okay bros, तो नाश्ता वगैरह यहाँ पर सब कुछ हो चुका है. अगर मैं टाइम की तरफ देखूँ तो टाइम यहाँ पर फिलहाल हो रहे हैं 10:30 और मैंने और चपाती भाई ने सोच के रखा है कि आज हम एकदम से लोकल सुपरमार्केट के अंदर जाएंगे. और वहां पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब हम बाहर से एक्चुअली देखते हैं तो काफी ज्यादा यूनिक सुपरमार्केट वो लगती है. ये देखो ये देखो ये देखो, चपाती भाई पहले ही रोटी तैयार कर रहे हैं जाने के लिए. ले, ए, मैंने खानी नहीं है. छोटी चलो ये वाली मैं ले लेता हूँ यहाँ पे. आंखों के लिए बढ़िया, आंखों के लिए. ये क्या कहना चाहते हैं क्योंकि मैंने चश्मा पहना हुआ है. भाई आज तो यार यहाँ पे कुछ ज्यादा ही धूप हो रही है. चलो चपाती भाई, और चलो भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. और ये क्वेश्चन सिर्फ चपाती भाई के लिए नहीं है, सबके लिए है जिसको ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं. ग्रीस के बाद सामने वाला आइलैंड कौन सा है? तेरी आज विजिबिलिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली हम पिछले ना 6 दिन से यहाँ पर हैं, 6 दिन से हमको वो आइलैंड नहीं दिख रहे थे, लेकिन आज एक्चुअली दिख रहे हैं. वहाँ पर एक्चुअली थोड़े से दिख रहे हैं. अगर मैं जूम करके यहाँ पर देखूँ ना, भाई साहब मुझे तो बंदा भी दिख रहा है वहाँ पे. नहीं है भाई, अभी मैं सबको सीक्रेट बताता हूँ. यहाँ पर चपाती भाई ने एक्चुअली ऑलरेडी गाड़ी भी ठोक दी है. यहाँ पर मैंने आपको बोला था भाई कि GTA 5 की तरह गाड़ी नहीं चलानी है. तो अगर मैं ये साइड आगे से दिखाऊँ तो ये एकदम से ठीक लग रहा है, लेकिन अगर ये साइड दिखाऊँ तो ये देखो, ये कल तक यहाँ पर पूरा बाहर निकल गया था, अभी सिर्फ ऐसे हल्का सा हमने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है. कमोन कमोन, आज चपाती भाई दिखाएंगे अपनी LS कस्टम्स वाली यहाँ पर टेक्निक्स. मेरी गलती नहीं है, जो बंदा खड़ा था ना साइड पे था, बेसिकली हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे. अरे वो तो चिपले किधर है, किधर? ओ ये वो देखो भाई, एकदम से छोटी वाली. यहाँ पर रिच बहुत ज्यादा है. गई ये मैंने पहली बार देखी हुई है. एक बंदा कल खड़ा था तो उसका ये जो टायर है ना वो पूरा बाहर निकला हुआ था, और मैंने थोड़ी क्रॉस ड्राइविंग कर ली और मेरी गाड़ी का जो बम्पर टायर के अंदर फंस गया. ओ तेरी, ये तो अच्छा हो कि चपाती बने ब्रोज यहाँ पर इंश्योरेंस ले ली, नहीं तो भाई एटलीस्ट 1000 पाउंड का आपका फटका लगने ही वाला था यहाँ पे. 200 पाउंड का. वैसे यार एक बात तो बतानी पड़ेगी यार, इस रोड में ड्राइविंग करने का एकदम से अलग ही मजा है यहाँ पर. मुझे लगता है आप गलत जा रहे हो. अरे मैं रैंडमली जा रहा हूँ, हम पूरा आयलैंड लिटरली 2 घंटे के अंदर घूम सकते हैं, और हमने ये पूरा आयलैंड 2 दिन में घूमा वही आराम से. तो अभी हम सारी चीजें घूम चुके हैं और अभी हम सिर्फ चिल मार रहे हैं. और बेसिकली कहा बता रहा हूँ, यहाँ का वेदर ना मैंने नोटिस किया है कि हर एक दिन ने जब वेदर चेक किया तो हर एक दिन एक ही टेम्परेचर दिखा रहा है. क्या? 32 डिग्री, ना कम ना ज्यादा. 32 एकदम से फिक्स्ड है भाई, हम पर पूरा वेदर. हम इवन वो पहाड़ के ऊपर भी गए थे, दिखा ना भाई, देख ही नहीं रहा है यहाँ पर. अच्छा वो वाला, हाँ भाई हम वहाँ पर भी गए थे, पीछे जो आइलैंड का दूसरा हिस्सा है वहाँ पर भी गए थे. तो ब्रो ये रे वो मार्केट जिसके बारे में बात कर रहे थे, और भाई बिल्कुल ओपन में ऐसे बनी हुई है यार. भाई 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 क्या माल पड़ा हुआ है यार, ये चीजें तो मैंने आज तक नहीं देखी है. ये आई थिंक ये वो चाय के साथ होती है ना. इतना इतना सारा कौन खाता चाय के साथ पहले ये पता है मेरे को भाई. ये आप जैसे जो चाय पीते हो ना वो. ये देख ये देख, ठीक है दालें बिक रही है यहाँ पर भाई, सब कुछ पड़ा हुआ है यार यहाँ पर. ये तो सारे ही गाड़ियाँ पड़ा हुआ है, मेरे को पता करना कि एक्चुअली है क्या. आई डोंट नो भाई, यहाँ पर समझ गया मैं, ये ओवन के अंदर डालते हैं इसको बेक करते हैं, हो सकता है ऐसा बन जाता है ब्रेड, ऐसा हो सकता है यहाँ पर. ये चीज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ. और ये क्या है? ऑलिव है. ये ऑलिव तो मैंने देखे हुए हैं, ये पत्ते कैसे डाले हुए हैं? पालक हो सकते हैं, आई डोंट नो, मशरूम लग रहे हैं मेरे को तो. हाँ नहीं भाई, एकदम से यूनिक चीज पड़ी हुई है. हर देश का अपना अपना खाना होता है, मेरे को तो इसके बारे में नहीं पता. और ब्रोज ये पहली ऐसी शॉप है जहाँ पर आप पीछे भी जा सकते हो शॉपिंग करने के लिए. क्या चूहे का भेजा? ये है क्या, मेरे को नहीं पता इसके बारे में. अरे उसको छोड़ो, ये देखो, और ये ड्रैगन फ्रूट है पड़ा हुआ है, एकदम से एग्जॉटिक फ्रूट है भाई ये वाला. तो चौधरी भाई आपको पता ना भाई, ये 30 पाउंड का एक है, मतलब कि 3000 रुपए का एक. रख दो वापस, वापस रख देते हैं. एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं, सबको घर का टूर करवाते हैं. चल ठीक है, आजा. और ये रहा ब्रोज अपना घर. चपाती भाई लाइट ऑन करना था. ओ भाई साहब देख रहे हो ना कितना बढ़िया लग रहा है. तो ब्रोज मैं फटाफट सबको एक छोटा सा टूर भी यहाँ पर करा लेता हूँ. तो जैसे आप अंदर आओगे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आता है अपना टेबल, और ब्रोज इसके अंदर एकदम से खतरनाक स्नैक का ही हेवन है भाई. पूरा चाय के साथ यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है, क्रोसॉन भी है, ब्रेड भी है, बिस्किट भी है, हनी भी है, सब कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर. और इसके बाद चपाती भाई की फेवरेट छोटी सी किचन यहाँ पर, एकदम से मॉडर्न वाली. और बिल्कुल किचन के पास ऑब्वियसली अपना फ्रिज भी है. और चपाती भाई यार कब से तरबूज ही खा रहे हो यार, आप तो एकदम से फुल एंजॉय है आपका तो. वही तो वही तो. और बिल्कुल पीछे आ रहा है अपना सोफा जहाँ पर हम चिल मारते हैं, और बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है अपना टीवी. और भाई घर की ये वाली चीज मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, इससे इससे भाई एकदम से मॉडर्न वाला लुक आ रहा है भाई. ये जो वुड लगी हुई ना बीच में,
ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि यूजली यहाँ पर ऐसी दीवार बड़ी होती है, लेकिन इन सर जी ने यहाँ पर ये वुड लगा के रखी हुई है और एकदम से ओपन वाली फीलिंग दी है यहाँ पर। और बिल्कुल इसके पीछे आ रहा है अपना बेडरूम, लेट्स गो। और ये मैली टी शर्ट चक लिया करो। और टीवी ब्रोस मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये अंदर बार भी होता है और ये साइड पर भी ऐसे जा सकता है, तो एकदम से परफेक्ट है अगर आप वहां पर बैठ रहे हो या अगर आप यहाँ पर बैठ रहे हो, आपको हर एंगल पे टीवी देखेगा। इसके बाद आ रही है अपनी अलमारियां जहाँ पर अपने कपड़े पड़े हुए हैं। और भाई साहब यहाँ पर तो तिजोरी भी पड़ी हुई है, अगर मैं इसको खोल के देखूं तो माल पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं है। और फाइनली अगर मैं इस तरफ आऊं और लाइट ऑन करके देखूं तो ये रहा अपना बाथरूम जो काफी ज्यादा मॉडर्न बना हुआ है और बिल्कुल कोने में अपनी वॉशिंग मशीन। आई थिंक ये वाला घर अब तक की सबसे बेस्ट हॉलिडे हाउस यहाँ पर होगा। अगर आपको पसंद आया तो ब्रोस मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताए कि कौन सी चीज घर में सबसे बेस्ट है यहाँ पर। और ऑब्वियसली हम यहाँ पर पूरा आइलैंड ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो अभी मुझे एकदम से यहाँ पर ड्रिंक लेनी है और बार थोड़ी देर यहाँ पर चिल मारना है और फिर बाद में रोटी खाकर फिर से सो जाएंगे यहाँ पर। और ये सिर्फ आज का प्लान नहीं है ब्रोस, ये एक्चुअली हम पूरे हफ्ते यही कर रहे हैं यार। भाई बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर से घर पे आके सो जाते हैं। जो यहाँ ये करना वो जाना, भाग के वहाँ जाओ, भाग के ये वाली फोटो खींचो। इस बार ही नहीं, इस बार एकदम से चिल। और वो पहले वाला तरबूज नफ नहीं था चपाती भाई, और ज्यादा काट रहे हैं। वो ये भाई डाल दो मेरे लिए भी यहाँ पर डाल दो। और वो हैक वाला बनाना भाई, वो अपना नींबू वाला, बिल्कुल भाई इसके ऊपर ऐसे नींबू ने छोड़ो, एकदम से बढ़िया फ्लेवर बन जाता है फिर। और नींबू देख रहे हो भाई यहाँ का एकदम से मोटे वाला भाई, ऑब्वियसली वो इटली जितना तो मोटा नहीं है लेकिन यूके से ज्यादा बड़ा ही है भाई ये वाला। और अभी आ रहा है हैक का पार्ट, और देख रहे भाई कैसे रस निकल रहा है भाई नींबू के अंदर से। और बहुत ये वाला हैक एक्चुअली सबको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए एकदम से गर्म वाले मौसम के अंदर। तरबूज का जो स्वाद है ना एकदम तीन गुना बढ़ जाता है। मजा आ गया यार। भाई मुझे तो लगा सिर्फ तरबूज यहाँ पर ही नफ था, ये क्या बना रहे हो आप? भाई फिलहाल तो सिर्फ खिचड़ी लग रही है मुझे। ये है ब्रेड। ये कैसा ब्रेड है? मैं ब्रेड बना रहा हूँ। अच्छा फ्रेश ब्रेड बना रहे हो चपाती भाई? यार अरे क्या चक्कर है, हमने बता दो दिन के अंदर पूरा आइलैंड छान मार लिया, एक एक गली देख ली, अभी हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। चपाती भाई इतना बोर हो गए कि वो खुद से ब्रेड बना रहे हैं। ओके ब्रोस, तो मिक्सचर एकदम से रेडी यहाँ पर हो चुका है, अभी चपाती भाई यहाँ पर चालू करेंगे फैन। और आपको पता ना भाई यहाँ पर कि कितने डिग्रीज और कितने टाइम के लिए डालना है? भाई मैंने तो बैकअप के लिए अपनी रोटी भी यहाँ पर रेडी करके रखी हुई है, सिर्फ उसको भाई ओवन के अंदर डालने का। अरे भाई अभी तो हमें ये देखना है कि आप ब्रेड कैसे बनाओगे यहाँ पे। अभी अंडे का ब्रेड, वही तो यार, वो तो मैं भूल ही गया यार, अंडे वाला ब्रेड चपाती भाई बना रहे हैं यहाँ पर। भाई एकदम से सेटिस्फाई यहाँ पर लग रहा है यार, आदमी जल जाएगा। आज ये पक्का जलेगा भाई, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा। ओके तो ये अपने दो ब्रेड के पीसेस रेडी हो चुके हैं, लिटरली क्लाउड लग रहा है यार। भाई साहब यार एकदम से क्लाउड लग रहा है यहाँ पर। okay, तो मुझे पर जल्दी से ढूंढना है 20-40 मिनट्स। भाई टाइमर तो आपका एकदम से रेडी है चपाती भाई, अभी सीधा डाल दो इसके अंदर। और डिग्री आपको पता ना कितने टेम्परेचर पे डालना है? 150 पे रखते थे, बातें देखी जाएगी। हाँ सही है सही है सही है। तो इसको मैं कर देता हूँ एकदम से स्टार्ट, देयर वी गो। और अगर खराबी हो गई तो चपाती बने बैकअप डिश भी यहाँ पर रेडी करके रखी हुई है। ओके ब्रो, तो मैंने यहाँ पर सोच के रखा कि मैं साइड में यहाँ पर मारूंगा एकदम से चिकन रैप, तो रैप सीधे जाएंगे यहाँ पर ओवन के अंदर ताकि थोड़े से गर्म हो जाए। और प्रोडक्शन लेवल देख लो चपाती भाई का, तीन तीन पैन साथ में दो चीजें रख रहे हैं ओवन के अंदर, खतरनाक ऑपरेशन चल रही है भाई। रहने दो भाई, इतनी ऑपरेशन तो भाई रेस्टोरेंट में भी नहीं होती। बेसिकली प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है, ऑब्वियसली हम यहाँ पर परसों निकलने वाले हैं तो हमें यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर खत्म करनी पड़ेंगी, क्यों, ताकि एक भी चीज वेस्ट ना जाए। वो ले आ दो चपाती भाई, रेडी है ना? कच्चे खाएगा क्या? अरे रेडी लग रहे हैं भाई, एकदम से रेडी लग रहे हैं। नाइस, यहाँ पर चपाती भाई का बर्गर भी एकदम से रेडी हो चुका है यार, और टेबल देख रहे हो एकदम से रोटी के साथ ही भर चुका है यार। खाने से पहले जरा ब्रेड का अपडेट देख रहे, तो भाई साहब ये तो एक्चुअली ब्रेड जैसा लग रहा है यार। सही है ना भाई, एकदम से बढ़िया लग रहा है, ये तो चपाती लग रही है। अच्छा हाँ, वापस डाल दो इसको, जल गया नीचे तो पीस। एकदम से बढ़िया लग रहा है, फ्लफी लग रहा है यार। भाई 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 आपने तो एकदम से 5-स्टार डिश यहाँ पर बना दी यार। अब तो कुकिंग चैनल बोलना ही बोलना है। हाँ, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करो ब्रो, चपाती भाई 10 मिलियन पे यहाँ पर खोलेंगे। क्रिस्पी है क्या? एकदम से क्रिस्पी भाई, मेरे पास मशीन नहीं थी तो और अच्छा बन जाता है। चलो खा के बताना। तो अच्छा नहीं है क्या भाई?
अगर मैं खा के रखूं। भाई एकदम से बढ़िया यार ये वाला तो। और अपना चिकन रैप भी एकदम से रेडी है। तो ब्रोस इसके अंदर मैंने ये चपाती वाला सैलेड डाल के रखा हुआ है, इसके नीचे चिकन भी है, चीज भी मैंने डाली है, और सॉस के लिए एकदम से छोटी सी मस्टर्ड। भाई आज तो एकदम से मजा आ गया यार रोटी खा के। चपाती भाई कैसा लगा भाई? वो जो ब्रेड आपने बनाया ना भाई, मैंने बनाया, मस्ती होगा भाई। इतना सारा खाना खाने के बाद आई थिंक अभी डेफिनेटली जिम जाना ही पड़ेगा। जिम जाने की जरूरत नहीं है, ये प्योर प्रोटीन नेचुरल मार है। अच्छा मार माल है। हम यहाँ पर शुगर वगैरह सारी चीजें वो क्या कहते हैं केमिकल वगैरह मिक्स करके खाना नहीं खाते। ये भी सही बात है, सही बात है, सही बात है। और अभी ब्रोस मुझे एकदम से यहाँ पर पीछे चिल मारना है, और आई थिंक अभी इस ब्लॉग में भी इतना ही काफी है। तो अगर ब्रोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।